मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक शीर्ष अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भारत में संगठन के बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाए जाने के बाद उसे वहां से अपने सभी कर्मचारियों को हटाने और सभी मानवाधिकार कार्यों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए में एडवोकेसी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स की राष्ट्रीय निदेशक जॉन लिन ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्रालय ने अक्टूबर में कहा था कि संगठन का यह दावा कि उसे चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया एक दुर्भाग्यपूर्ण है और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है जो सच्चाई से कोसों दूर है। बता दें कि FCRA एक्ट में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने नागरिक समाज से जुड़े संगठनों पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है। साथ ही उन्हें विदेशों से प्राप्त हो रही धनराशि या अनुदान पर कुछ अंकुश लगाकर सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के भी प्रावधान किए हैं। नए विनियमन विदेशी संस्थानों से संबंध रखने वाली सिविल सोसाइटीज NGOs पर मुश्किल शर्तें लाद रहा है। इसलिए सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की गई। सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह आरोप लगाया था कि संगठन ने दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बदले में सरकार ने एमनेस्टी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की और संगठन ने भारत में काम करना बंद कर दिया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।